को आप बहुत ही करीब से जानते हैं, एक ऐसे इंसान जो आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, the young dynamic leader, the chairman and managing director of Netsurf. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Sujit Jain. नमस्कार नेटसर्फ। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अभी बाकी समंदर साथ है। भारत में, भारत से हमने ये जो डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में एक क्रांति शुरू की है, आने वाले समय में, और मैं कुछ दूर दराज की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में इसी साल भारत के ईस्ट और भारत के वेस्ट दोनों दिशा में नेटसर्फ जाने की प्रयास कर रहा है, और इसी साल दोनों दिशा में नेटसर्फ अपना कदम रखने वाला है, और इंटरनेशनल मार्केट में नेटसर्फ का बिजनेस शुरू होने वाला है। नेटसर्फ ने इस साल जो कामयाबी हासिल की है वो तो आपने संजय भाई के स्पीच में सुना ही होगा। ये नंबर्स चौंका देने वाले आंकड़े हैं। ये 50 लोगों ने इस साल में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम प्राप्त की है। करीबन 100 लोगों ने 50 लाख से ज्यादा की इनकम प्राप्त की है, और लगभग 500 लोगों ने 10 लाख से ज्यादा की इनकम प्राप्त की है, और 4000 से ज्यादा लोगों ने 1 लाख से ज्यादा की इनकम प्राप्त की है। और मैं क्या कहूं अस्मिता का, कमाल अस्मिता। आज अस्मिता का जो अपना नेटसर्फ का प्लेटफॉर्म है, 45,000 महिलाओं ने 3 साल में वो कर दिखाया है जो करने के लिए मर्दों को नेटसर्फ में 17 साल लगे थे। मर्दों को पहली कैप लगते लगते 10-12 साल लग गए थे, 9 साल लग गए थे, और महिलाओं ने 3 साल में पहली कैप लगाने का काम कर दिया। और ये जो स्पीड है जिस रफ्तार से महिलाएं आगे बढ़ रही है नेटसर्फ में, मुझे पूरा यकीन है इस साल 30% टर्नओवर अस्मिता के टीम द्वारा आया था, जल्द ही आने वाले कुछ ही सालों में वो इस रेशियो को उल्टा कर देंगे, 70% टर्नओवर महिलाओं की टीम के द्वारा आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्दों का ग्रोथ कम होगा, हम अपना करते रहेंगे, आप ज्यादा अच्छा करेंगे। और पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा कमाने के कई रास्ते होते हैं। हमने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया है, लोगों की समस्याओं को दूर करके पैसा कमाया है। 20 लाख किसानों तक बायोफिट पहुंचाकर, उनके खेती को ग्रीन करके, उनके खेती को केमिकल्स फ्री करके, उन्हें बेटर प्राइस मुहैया कराया है, यह करके हमने पैसा कमाया है। 10 लाख घरों में नेचुरा मोर पहुंचाकर
उनके स्वास्थ्य को बेहतर करके हमने पैसा कमाया है। 5 लाख घरों तक हमने हर्ब्स एंड मोर पहुंचा के लोगों की त्वचा को निखारा है, नेचुरल मोर देके उनके स्वास्थ्य को सुधारा है, अंदर से उन्हें ठीक किया है, और हर्ब्स एंड मोर देके उन्हें ऊपर से भी हमने निखारा है, यह करके हमने पैसा कमाया है। और जो हिंदुस्तान इंसानियत के नाम से जाना जाता है, आने वाले सालों में वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में नेटसर्फियत के नाम से जाना जाएगा। नेटसर्फियत जहां कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे कंपनी में ना धर्म है, न जाति है, न रीजन है, है तो सिर्फ एक चीज, नेटसर्फियत, कि मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है और दुनिया नाश करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है। और यह किसके वजह से हुआ है? यह हुआ है आप सभी के वजह से। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी खास है, आप सभी स्पेशल है, आप सभी बेस्ट से भी बेटर है। आप ही नहीं, आपके टीम में मौजूद हर व्यक्ति जो आज कुछ कारणवश नहीं आ पाए, आप प्लीज उन्हें जाकर कहना कि मैंने कहा है कि वो भी खास है और उन्होंने भी नेटसर्फ के इस ग्रोथ में योगदान दिया है। उन्हें कहना कि मायूस ना हो, एक ऐसा भी समय था जब आप भी इस हॉल के बाहर थे लेकिन तब भी आपने नेटसर्फ में भरोसा रखा, आप खास हो, आपने आपका काम जारी रखा। उन्हें कहो वो भी काम जारी रखे। ये हॉल तो क्या, हम स्टेडियम बुक करके सबको बुलाएंगे और हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट करेंगे। नेटसर्फ का ये सक्सेस, ये सफलता क्यों मिली? ये मेरी टीम की वजह से मिली। मेरी टीम, लक्ष्मी मैम, केतन सर, प्रदीप सर, केदार, शरद, वीरेन, आप सभी, दिस इज द बेस्ट टीम आई कुड एवर गेट इन माई लाइफ। और नेटसर्फ को ये जो सक्सेस मिला है उसमें इस बेस्ट टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही नहीं, इनके टीम के हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी, यू आर द बेस्ट टीम नेटसर्फ कुड एवर गेट, और आप ही के वजह से हमको यह सक्सेस मिली है। नेटसर्फ को यह सक्सेस मिली है क्योंकि जो मैं जिसे पार्टनर नहीं कहता हूं, जो मेरे बड़े भाई है संजय भाई, यू आर द बेस्ट एल्डर ब्रदर आई कुड एवर गेट। यू नॉट जस्ट अ गुड मेंटर, यू ऑलवेज बीन द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम दैट आई कुड एवर गेट। इसी के साथ हमारे परिवार जो यहां है और जो यहां नहीं आ पाए, द बेस्ट फैमिलीज वी कुड एवर गेट, और इनके सपोर्ट के वजह से हमें यह सक्सेस मिली है। और इन सब से ऊपर जिनके वजह से हम हैं, हमारे माता पिता, हम दोनों के माता पिता, इनका भी इस सफलता में उतना ही योगदान है। आप सभी के माता पिता को मैं नमन करता हूं और हमारे माता पिता को मैं नमन करता हूं। थैंक यू, उनके आशीर्वाद से, उनके वजह से यह सक्सेस हमें मिली है। वो है तो हम है, वरना हम कुछ भी नहीं है। यह तो हुई आज की बात, लेकिन ऐसी टीम जब साथ होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि हम, कुछ साल पहले मेरा लक्ष्य था कि हम इंडिया की नंबर वन कंपनी बनेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड की बेस्ट टीम मेरे साथ है तो मुझे अभी एक नया लक्ष्य तय करना है कि हम वर्ल्ड की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताएंगे।
और ये काम अगले जनरेशन ने नहीं करना है, इसी जनरेशन ने करना है। आप नेटसर्फ की लीडरशिप टीम हो, वैसे यार ये लोग मुझे ऐसा समय देते कि जब मैं आपके खाने और इसके बीच में का समय मुझे दे देते, आपके और आपके खाने के बीच में का समय मुझे दे देते। आई होप आपको ज्यादा भूख नहीं लग रही है। थैंक यू। तो आज जो नेटसर्फ की लीडरशिप टीम है, ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व के दम पर हम इंडिया की नंबर वन और वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन सकते हैं। लेकिन नेतृत्व का दायित्व जब आपको मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आपको उठानी होती है। और वो क्या जिम्मेदारियां है, 3 C's, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली जिम्मेदारी है कॉन्फिडेंस, अपने टीम में सेल्फ कॉन्फिडेंस डालना। आपको जिराफ तो पता होगा ना, जिराफ जो प्राणी होता है लंबा ऊंचा प्रदीप सर के जैसा, तो जब मां जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है, ऊंचाई की वजह से वो बच्चा नीचे जब गिरता है उसे होश भी नहीं होता कि मां जिराफ उसे जोर की लात मारती है। वो बच्चा कहीं दूर जाके गिर जाता है, अपने होश संभालता ही है कि उतने में मां जिराफ फिर उस बच्चे पर जाती है, खड़ी हो जाती है और एक जोर की लात मारती है। बच्चा समझ जाता है कि अगर मैं नहीं उठा तो इसी तरह लात पड़ते रहेगी, और वह अपने नए कमजोर पैरों को हौसला डालकर डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो जाता है। मां जिराफ फिर जाती है और उसे और एक जोर की लात मारती है। तब वो बच्चे को समझता है कि सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चा खड़ा होता है और हिम्मत करके, मेहनत करके धीरे धीरे दौड़ने लगता है। तभी मां जिराफ उसके पास जाके उसे गले लगाती है और उसे प्यार करने लगती है। क्योंकि मां जिराफ को पता है कि जंगल में शेर, लोमड़ी ऐसे कई प्राणी हैं जिसे नवजात शिशु का मांस बड़ा अच्छा लगता है, और अगर उसने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, तो वह किसी का शिकार बन जाएगा। इसी तरह नेटसर्फ की लीडरशिप को अपने टीम को सबसे पहले कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के जंगल में भी कई लोमड़िया है जो आपके इस नवजात शिशु का मांस खाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए पहला सी कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा सी कंसिस्टेंसी। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आज आपने नेटसर्फ किया क्या, आज आपने नेटसर्फ किया क्या, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आज मैं देखता हूं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 90% टर्नओवर साइकिल के एंड में आता है, लास्ट 2-3 दिनों में आता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो दोनों में फर्क क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 30 दिनों के बाद यानी 2 साइकिल के बाद 5 करोड़ देता हूं, और अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसको आप रोज डबल कर सकते हो, तो आप क्या चुनोगे? क्यों नहीं आपने, क्योंकि ये अच्छा आंसर लगता है। आज जो नेटसर्फ में हो रहा है वो तो 5 करोड़ वाला ही काम हो रहा है ना, एंडिंग में हम साइकिल को पूरा ये करते हैं, टर्नओवर डालते हैं। तो इन दोनों का फर्क बताता हूं कि अगर आप 5 करोड़ चुनते हैं और उसके जगह 1 रुपया अगर आप चुनोगे और उसे रोज डबल करोगे, तो 30 दिन बाद 53 करोड़ आपको मिलते हैं। अगर 1 रुपए को आप रोज डबल करते हो तो 30 दिन बाद 53 करोड़ आपको मिलते हैं, और अगर इसके बजाय आप 30 दिन के बाद 5 करोड़ लेते हो तो सिर्फ 5 करोड़ रहते हैं और आपका 48.5 करोड़ का नुकसान होता है। इसीलिए कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट काम करना जरूरी है, रेगुलर ग्रोथ जरूरी है। मैं आपके साथ एक फिगर और शेयर करना चाहता हूं कि अगर ये 30 दिन आपका 1 रुपी डबल होता है, इसके जगह अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो और एक महीने में सिर्फ 20 बार ये 1 रुपी डबल होता है, तो पता है वो फिगर क्या होती है? सिर्फ 5 लाख। 10 दिन काम न करने से ये फर्क पड़ता है। इसलिए एज ए लीडर आपको आपके टीम को कंसिस्टेंसी से काम करना, खुद और खुद के टीम के साथ कंसिस्टेंसी से काम करना जरूरी है। आपको आपके टीम को बताना होगा कि आप लोग जो इधर आए हो ऐसे ही नहीं आए हो, आप लोगों ने कंसिस्टेंटली काम किया है इसलिए आप लोग यहां आए हो। इसी तरह अगर आपके टीम ने भी कंसिस्टेंटली काम किया तो वो 1 रुपए का सिक्का 53 करोड़ हो सकता है। ये रेगुलर काम करने की ताकत, रेगुलर ग्रोथ की ताकत आपको आपके टीम को एज ए लीडर बताना जरूरी है। तीसरा सी, कोवर्किंग, एक दूसरे के साथ काम करना, टीम वर्क करना। एक बार एक कंपनी में, फार्मा कंपनी थी, उसमें सेल्स टीम थी और सब लोग आपस में लड़ते थे कि कौन आगे जाएगा, किसका ज्यादा टर्नओवर होगा, कौन सबसे ज्यादा बिजनेस लाएगा। इससे वहां के जो चेयरमैन थे वो परेशान थे, उन्हें उनकी इच्छा थी कि टीम साथ में काम करे और साथ में अगर काम करे तो ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन टीम्स कोई मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने जो कोर टीम है सबको अपने कैबिन में बुलाया, उधर गुब्बारे फुला के रखे हुए थे, तो सबको लगा कि भाई किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए हमें बुलाया होगा। तो उन्होंने पूछा बॉस से, भाई किसका बर्थडे? बॉस ने बोला, बर्थडे नहीं, मुझे आपको एक टास्क देना है। उस चेयरमैन ने वहां मौजूद जो उसके 12 हेड्स थे सबके हाथ में एक गुब्बारा दिया और सबके हाथ में एक टूथपिक दी और उनसे कहा कि एक गेम खेलते हैं कि 10 मिनट के बाद जिसके हाथ में गुब्बारा रहेगा उसे मैं विनर डिक्लेयर करूंगा और उसे मैं एक फॉरेन हॉलिडे पर भेजूंगा। 10 मिनट के बाद जिसके हाथ में गुब्बारा रहेगा उसे मैं विनर डिक्लेयर करूंगा और उसे फॉरेन हॉलिडे पर भेजूंगा। यह सुनते ही पहले आदमी ने टूथपिक लेके दूसरे आदमी का गुब्बारा फोड़ दिया, फिर दोनों ने मिलके तीसरे का फोड़ा, तीनों ने मिलके चौथे का फोड़ा, जो बाकी लोग दौड़ रहे थे वो चारों ने मिलके ऐसे करके एक एक करके 12 के 12 गुब्बारे फोड़ गए। बॉस ने कहा, भाई आप तो सभी हार गए। बॉस ने कहा, आप प्लीज शांति से बैठ जाइए, मैंने आपसे क्या कहा था? जिसके हाथ में गुब्बारा रहेगा वह जीतेगा। मैंने यह कब कहा था कि सिर्फ एक ही आदमी जीतेगा? आप 12 के 12 भी तो जीत सकते थे। एक दूसरे को हराने की बजाय एक दूसरे के साथ अगर काम करते तो 12 के 12 लोग फॉरेन हॉलिडे पे जाते, एक दूसरे को हराने के चक्कर में आप सभी हार गए। और यही हमें अपने टीम को सिखाना है कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे को जिताने के लिए काम करना है, ना कि एक दूसरे को हराने के लिए काम करना है। एक दूसरे को हराने के चक्कर में सभी हार जाते हैं, लेकिन सब मिलकर काम करोगे, एक दूसरे के साथ काम करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि जितने ज्यादा लोग साथ में काम करेंगे उतना ज्यादा समय आपके पास होगा। एंड टाइम इज मनी, टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब मिल सकता है, वक्त नहीं मिल सकता। जितने लोग साथ काम करेंगे उतना आपको समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा उतनी आपको सफलता मिलेगी। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन अगर आप 10 लोगों के साथ काम करोगे तो आपको एक साल में 10 साल मिलेंगे, 120 महीने मिलेंगे। अगर आप 100 लोगों के साथ काम करोगे तो आपको एक साल में 100 साल का सक्सेस मिलेगा। और अगर आप 1000 लोग के साथ काम करोगे तो आपको एक साल में 1000 गुना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। और ये आपको आपके टीम को सिखाना जरूरी है। और इसी के साथ 3C के साथ जरूरी है एक H की, जिसे कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अक्सर हम देखते हैं कि सक्सेस पाने के बाद इंसान
यह समझने लगता है कि मैं ही मैं हूं, बाकी कुछ नहीं। एक बार एक मूर्तिकार था जो देव देवियों की मूर्ति बनाया करता था। उस मूर्तिकार को उस गांव के बड़े सेठ ने एक देवी की, संतोषी माता की मूर्ति बनाने का काम दिया। मूर्तिकार ने बड़े दिल से उस मूर्ति को बनाया। मूर्ति को बनाकर उसे रंग देकर उसे निहार कर वो उस सेठ के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। उसके पास एक गधा था, उसने उस गधे पर उस मूर्ति को बांधा और वो अपने घर से सेठ के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वह रास्ते से जा रहा था तो लोग उस मूर्ति को देखकर हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। भीड़ इकट्ठा होने लगी, सब उस मूर्ति को देखने लगे, उसे हाथ जोड़ने लगे, उसे नमन करने लगे। और जब यह हो रहा था उस गधे को लगा कि यह सब मेरे साथ हो रहा है, और वह गधा वही रुक गया। उस मूर्तिकार ने उसे बहुत धक्का दिया, समझाया कि भाई चलो हमें सेठ के घर जाना है, हमें सेठ के घर जाना है। गधे को लगा अरे भाई रुको, यहां लोग मुझे निहार रहे हैं, मेरे पैर पड़ रहे हैं, मेरे पांव पड़ रहे हैं, मेरे पैरों में गिर रहे, थोड़ा मुझे आनंद तो लेने दीजिए। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को गधे से निकाला, अपने सर पे लगा और आगे बढ़ गया। गधा अपने ऐठ में था, इधर उधर देखने लगा, देखने लगा तो सब लोग जाने लगे। जाने लगे तो गधे को बुरा लगा, वो भोंपू भोंपू करने लगा, फिर भी सारे लोग जाने लगे। उतने में एक आया और उसके भोंपू की आवाज से त्रस्त होकर उसे चार जोर के डंडे लगाए और गधे को वहां से भगा दिया। दोस्तों, इसी तरह मैं आज जो कुछ भी हूं, आप यहां जो कुछ भी हो, या आपके टीम में जो भी मेंबर्स है उन्हें समझाइए कि वो जो कुछ भी है ये सब, ये नेटसर्फ का ताज हमारे सर पे है, इसकी वजह से है। आज जो लोग हमें सलाम कर रहे हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं, इस मूर्ति की वजह से कर रहे हैं। इस मूर्ति को अगर निकाल के कोई चला गया तो हमें भी दंडे खाने पड़ेंगे। तो ये विनम्रता का पाठ हमारे टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि नेटसर्फ उनके वजह से चलती है, वो नेटसर्फ की मूर्ति को निकालकर दूसरी तरह चले जाते हैं, फिर भोपू भोपू करते, कोई उनके पास नहीं आता। तो दोस्तों, ये तीन सी और ये सबसे महत्वपूर्ण एक एच ह्यूमिलिटी, अगर इसको आप साथ रखोगे तो आप और हमें दुनिया की नंबर वन कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ भी नहीं, हम में सब कुछ है। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम ही हम है तो क्या हम है, कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जो हम है तो तुम हो, जो तुम हो तो हम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। हर बार आपके शब्द सुन के एक नया जोश और जुनून भर जाता है पूरी नेटसर्फ टीम के दिलों में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर सुजीत जैन।